हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कैसे पोलिटिकल क्लब्स इमर्ज हो गए थे और उनमें से एक पोलिटिकल क्लब था जेकबिन एंड हाउ दैट जेकबिन क्लब अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन मिलियन रॉबिस्पियर ग्रैप द पावर एंड बाय द पब्लिक सपोर्ट केम टू पावर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हिज रूल हाउ रोबिसपियर मैग्जीमिलियन रोबिस रूल फ्रांस कैसे उसने फ्रांस को चलाया ये हम याद देखेंगे और यही वो मैगजिलियन रोबिसपियर है जिसका शासनकाल जिसका पूरा टेन्य रूल इज नोन एज द रीन ऑफ टेरर भाई का साम्राज्य सो लेट्स मूव ऑन सो दिस रीन ऑफ टेरर भाई का साम्राज्य हर कोई डरा हुआ था कोई अपने आप को इसे क्यों नहीं करता था हर किसी को अपनी जिंदगी का खतरा था क्यों ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जनता के द्वारा चुना हुआ बंदा था तो क्यों इस, इसके शासनकाल में इसके रूल में इसके चन्यूर में लोग डरे हुए थे डिटेल विल सी इन दिस मॉड्यूल नाउ जस्ट कीप वॉचिंग रीन ऑफ टेरर लेट सी दिस्ट्री फर्स्ट ईयर वाइज हिस्ट्री सेवनटीन ऐटी नाइन और एपन स्टॉमिक ऑफ बेस्टाइल फोर्टीन ऑफ जुलाई सेवनटीन एटी नाइन स्टॉमिक ऑफ बेस्ट द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन And after that, uh, uh, 600 representatives of the third state walked out of the meeting of a state general demanding one person, one vote, and they declared themselves the national assembly and, and took oath not to disperse. So, throughout the 1790s, they were busy in making constitution, and that constitution was ready in 1791. Later on, विच वॉज़ एक्सेप्टेड बाय फ्रेंच किंग ऑल्सो एंड सेवनटीन नाइन्टी टू डिक्लेयर द वॉर जब यह फाइनल हो गया कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार की बन चुका है बाकी लोगों ने नेबरिंग किंग्स ने अपने आप को इनसिक्योर फेल किया तो उन्होंने फ्रांस पर अटैक करने के प्लान किए तो उसके बदले इन्होंने अटैक कर दिया एंड ऑल दैट वी हैव स्टडी टल नाउ एंड सेवनटीन नाइन्टी थ्री एंड सेवनटीन नाइन्टी फोर 1793 is the year when the Maximilian Robespierre came to power and remained in power till 1794, only almost around one year. Why such a strong person, tremendously supported by people, could rule only for one year? There's a reason we'll see that. Before we'll see the reign of terror, we cannot move on without studying about Robespierre, who was the full name is given here. Maximilian Francois Marie. Isidore G. Robespierre lifespan birth 6th of May 1758 to 28 July 1794 almost 36 years he lived and where did I place De La Concorde Paris the same place where the King Louis the and his wife Mary Antoinette were guillotined हाँ गिलोटिन के बारे में भी हमको देखना है इसी मॉड्यूल में हम गिलोटिन के बारे में भी देखेंगे एंड बाय प्रोफेशन यू वॉज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन क्लियर एंड दिस पोलिटिकल थिंकर ऑल्सो हिज आइडिया इज़ वेरी गुड इवन एप्लीकेबल टुडे आल्सो ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ फ्रीडम लाइज इन एजुकेटिंग पीपल अगर आज़ाद रखना है देश को आज़ाद रखना है तो आज़ादी का रहस्य कि अपने देश के जनता को एजुकेट कर दो और अगर अपनी तानाशाही चलानी है तो लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखो लोगों को अनपढ़ रखो तो आप उन पर अपनी मर्जी से रूल कर पाओगे अगर आज़ादी करना है तो पढ़ाई कर दो एजुकेशन दो तो लोगों को चलो आई थिंक वी गॉट इनफ अबाउट गॉड इन लेट्स सी हाउ रीन ऑफ टेरर वर्कड सो वॉट इज रीन ऑफ टेरर द रूल ऑफ इज रीन ऑफ टेरर एंड इट लास्ट फ्रॉम सेवनटीन नाइनटी थ्री जो सेवनटीन ये वाला पीरियड है जब रॉबिस का शासन था इट्स कॉल रीन ऑफ टेरर अब ये जो रीन ऑफ टेरर है सेवनटीन नाइनटी थ्री सेवनटीन नाइन्टी फोर इसे रीन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है बिकॉज रॉबिस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट रॉबस्पिर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ये आपको एक माह के लिए पूछा जा सकता है वायदिरट इन यूर रूल इज कॉल्ड द रीजन ऑफ टेरर बिकॉज ई फॉलोज द पॉलिसी ऑफ़ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट वट इज अग ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मतलब देश में क्या होगा क्या नहीं होगा लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे कैसे कपड़े पहनेंगे कैसे नहीं पहनेगे कैसे बात करेंगे कैसे बात नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ ये सारी चीज़ें फुल कंट्रोल ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल और अगर किसी ने वो रूल तोड़ा तो सीवियर पनिशमेंट इट पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ठीक है लेकिन अगर आपने कोई स्टेट लॉ वायलेट किया तो सीवियर पनिशमेंट मिलेगी आपको नाउ ही ट्राइड 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 का मतलब हम इससे प्रीवियस मॉड्यूल में भी मेरे को पता चल रहा ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना नहीं यहाँ पे कोशिश करना नहीं कोर्ट में केस चलाने को ट्रायल कहा जाता है तो इसने उन पर केस चलाए कौन से केस जो जुडिशरी इस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उस जुडिशरी से नहीं इसने और एक जुडिशियरी बनाया था रिवोल्यूशनरी कोर्ट रिवोल्यूशनरी कोर्ट उस रिवोल्यूशन रिवोल्यूशनरी कोर्ट में केस चलवाया जाता उन पर और ये रिवोल्यूशनरी कोर्ट मैक्सिमिलियन के इशारों पे चलती थी इम्पोर्टेंट दिस रिवोल्यूशनरी कोर्ट फंक्शन एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैग्जीमिलियन रॉबिसपियर और इस कोर्ट ने अगर किसी को अपराधी मान लिया तो उसको सजा दी जाती थी और किसको आ, किन लोगों को इस कोर्ट में केस डाला जाता था किन लोगों को पनिश किया जाता था एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक लोकतंत्र का गणतंत्र के दुश्मन अब ये रिपब्लिक जो फ्रांस बना है रिसेंटली जनता के द्वारा चुने हुए लोग अब देश चलाएंगे, वह रिपब्लिक अब इस रिपब्लिक के दुश्मन कौन थे द लिस्ट इज ऑल्सो गिवन हयर एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी ओल्ड जो रजीम थी जिसमें क्लर्जी नोबिलिटी एंड कॉमनर्स थे उसमें से ऑल नोबल्स एंड क्लर्जी व एनिमीज ऑफ रिपब्लिक दैट ही बिलीव्ड जैसे भी हो जो भी हो हमने देखे कि कुछ लोग तो इनके फेवर में भी थे स्टेट के लेकिन वो सब लोगों को ये एनीमीज मानता था दूसरा मेम्बर्स ऑफ अदर पोलिटिकल पार्टीज दिस इज रॉन्ग नो डेमोक्रेसी इज़ ट्रू डेमोक्रेसी इफ़ देर इज़ नो अपोजिशन इन दैट डेमोक्रेसी और ये अपने ओपोनेट्स को अपने राइवल पोलिटिकल पार्टीज़ को भी दुश्मन मानता था रिपब्लिक के मतलब हम लोग ही रिपब्लिक है हमारे अलावा दूसरे कोई भी सही रिपब्लिक नहीं है ये गलत बात थी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं था मतलब ये डिक्टेटोरियल होता जा रहा था और तीसरा इसने अपने पार्टी के लोगों को भी मरवा दिया जो इसके व्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते थे जो इस डिफ़र करते थे व्यूज़ में रोबेस्पियर से सो ऑल दिस थिंग्स इज दैट ही वॉज समवेयर रॉन्ग वॉज बिकमिंग डिक्चटोरियल और सज़ा क्या दी जाती थी गिलोटिनाइजेशन जिन जिन को रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने गिल्टी माना उन सबको गिलोटिन कर दिया जाता जान से मार दिया जाता ठीक है रीन ऑफ टेरर गॉट द बेसिक आइडिया अच्छा चलो गिलोटिन के बारे में देख लेते गलोटिन होता क्या है गिलोटिन this is the term this is the device guillotine and this is the person who invented it and he was dr guillotine as this man invented this machine so this machine is called as guillotine because it was invent invented by dr guillotine you can see a common platform on which there are two vertical columns and on those two vertical columns this one horizontal Column and to the horizontal column, there is a blade, a triangular blade hanging. I hope you can see this triangular blade hanging. And a person was lying down, a bucket is kept here. After the blade is loosened, heavy blade, heavy and sharp blade, suddenly fell on a person's neck and the body, the head in the bucket. This is guillotine. Okay, this is the machine. Guillotine is used to behead. बी हैड मतलब गला काट देना गला काट के शरीर को और सिर को अलग कर देना बी हैड करने की एक मशीन थी ये वो इन्वेंटेड एज वी हैव सीन डॉक्टर गैलोटिन कैसे होती थी हेवी मेटल नंबर वन हेवी मेटल मेटल ब्लेड सॉरी हेवी मेटल ब्लेड टू वर्टिकल कॉलम्स क्लियर नो नीड टू गो मच डिटेल अबाउट दैट यू कैन रीड इट एंड वन मार्क क्वेश्चन और थ्री मार्क क्वेश्चन इवन इट कम्स यू कैन राइट अबाउट दिस थ्री मार्क्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल अब रीन ऑफ टेरर पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट तो हमने देख ली है अब कुछ तो किया होगा ना एक साल में इसने कुछ तो काम किया सिर्फ लोगों को मारा ही होगा नहीं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी किया होगा तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स यहाँ पे मेजर फाइव वर्क आर हेयर सीलिंग फर्स्ट वीलिंग वॉट इज सीलिंग सीलिंग मीन्स अपर लिमिट किसी भी चीज़ की अपर लिमिट लगा देना तो इसने अपर लिमिट किस चीज़ को लगाया प्राइसेस एंड वेजेस मतलब अगर आप व्यापारी हो अगर आप दुकानदार हो तो आप कोई भी वस्तु जब मार्केट में बेचोगे तो उसकी एक मैक्सिमम प्राइस होगी एम मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते और वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कंसिडरिंग योर प्रॉफिट ऑल्सो अच्छी बात है ये वेजेस वेजेस का मतलब है जो लोग डेली किसी के लिए काम करते हैं और डेली काम के बदले डेली पैसे मिलते हैं जिसको हम रोजी से काम करना बोलते हैं वो वेजेस भी उसने फिक्स कर दिया कोई भी किसी को भी पट कोई भी अगर किसी से काम करवाएगा एक गवर्नमेंट ने वेजेस डिसाइड कर दी उससे कम वेजेस नहीं देगा और काम करने वाले भी कभी शॉर्टेज ऑफ लेबर आ जाए तो उससे ज़्यादा ले वेजेस नहीं मांगे एक ब्रैकेट बना दिया उसने मैक्सिमम सीलिंग ऑन प्राइसेस एंड वेजेस नाशनिंग राशनिंग राशनिंग मींस क्या अगर मजाक में बोला जाता थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो मिलेगा पर सबको मिलेगा तो अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है तो अगर जो पैसे वाले होंगे वो ज़्यादा पैसा दे उसको ख़रीद लेंगे तो गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर उसने वो भी बंद करवा दिया उसने एक रूल बनाया जिसमें कि अब आपके फैमिली में कितने लोग हैं अगर आपके फैमिली में दो लोग हैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फिगर दिस इज़ जस्ट इमेजिन इमेजिनरी एग्जांपल आई एम गिविंग यू फॉर द पर्पस ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा माना जाता है उसने रूल बनाया होगा कि एक इंसान दिन में एक किलो गेहूँ खाएगा और एक किलो चावल खाएगा और आपके फैमिली में दो लोग हैं तो आपकी फ़ैमिली में पर डे दो किलो गेहूँ दो किलो चावल से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते चाहे आप जितना पैसा ऑफर करो ये होगी राशनिंग तो इसने चीज़ों की फ़िक्स क्वान्टिटी ऑफ मीट एंड ब्रेड पर पर्सन आप चाहे जितने अमीर हो जितनी आपकी फ़ैमिली को एलोकेट हुआ है फूड ग्रेड उससे ज़्यादा आप ख़रीद नहीं सकते चाहे आप जितना भी पैसा ऑफ़र कर दो इसका पर्पज़ क्या था सभी को अनाज मिले मार्केटिंग फार्मर्स फार्मर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि आप अपना अनाज किए हुए चावल वेरियस पल्सेस वट एवर यू हैव ग्रोन इन यूर फील्ड आप आपके गांव में नहीं बेचेंगे शहर से बड़े बड़े व्यापारी आपके गांव में आते हैं आपको पैसा ऑफर करते हैं और आप उनको बेच देते हो यह अब तक होता आया अब आप ऐसा नहीं करोगे आपको आपका अनाज शहरों में ही लाना पड़ेगा पैरिस और जो अन्य बड़े शहर हैं वहीं लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने जिन व्यापारियों को सर्टिफाई किया है आप उन्हीं सर्टिफाइड ट्रेडर्स को ही अपना फूड ग्रेन बेचोंगे और वो सर्टिफाइड ट्रेडर्स गवर्नमेंट के फिक्स किए हुए प्राइसेस पे ही ख़रीदेंगे और फिक्स प्राइसेस पे ही बेचेंगे ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था वरना इससे पहले होता था व्यापारी जल्दी से किसी गाँव में जाते थे इससे पहले कि दूसरे व्यापारी पहुँचे ज़्यादा रेट पर ख़रीद लेते थे और उसको स्टॉक कर देते थे जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होता था तब अपना अनाज बाहर निकाल के महंगे दामों में बेचते थे उसको रोकने के लिए इन्होंने रूरल मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के भी रूल स्टार्ट कर दिया फूड ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था शायद लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर भी रब ने कुछ रूल्स बना दिए गेहूँ का आटा आप खा सकते हो होल व्हीट दैट इज़ होल व्हीट मीन्स गेहूँ का आटा आप खा सकते हो मैदा आप नहीं खाओगे मतलब पूरा के पूरा गेहूँ को पिसा के उसका जो आटा निकलेगा वो खाओगे अब गेहूँ के पर्टिकुलर को वाइट क्लीन पोर्शन को निकाल लेंगे बाकी गेहूँ फेंक दोगे ये थोड़ा तो डिटेल है आप अपने डिटेल में मत जाओ इमेज यू कैन इफ यू कैन जूम एन दिस इमेज इफ यू कैन जूम एन रीड इट वुड बी बेटर सो आप मैदा नहीं खाओगे इन शॉर्ट बता रहा हूँ आप फाइन फ्लोर वाइट फ्लोर नहीं खाओगे सिर्फ होल व्हीट खाओगे सिर्फ आटा खाओगे मैदा नहीं खाओगे उसके अलावा एटिकेट्स आप बिहेव कैसे करोगे जनरली हम होते है ना हमसे बड़े लोग होते हैं उनको हम तो सर बोलते हैं या मिस्टर बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं इसने सब बंद कर दिया हर कोई किसी को अगर मैन से बात करे तो उनको सिटोयन मतलब नागरिक कहोगे और विमेन को सटोईयनी सिटोयन एंड सिटोयनी एक दूसरे को यही बोलूँगा कोई किसी को कि सर मौस्य बॉस ये सब स्पेशल टाइटल नहीं देंगे एवरी सिटीजन लिविंग इन फ्रांस इज़ इक्वल however qualified क्वालिफाइड person is however rich that रिच is whatever is his position इज पोजिशन हर कोई एक दूसरे को सिर्फ सटोन और सटोईनी सेटोन इन केस ऑफ मैन एंड सटोईन इन केस ऑफ वमेन ही कहेगे मतलब आप एक दूसरे को कैसे रेफर करोगे क्या खाओगे इस पे भी उसने कंट्रोल लगा दिया था जहाँ तक कि ये जो तीन रूल है लगता है काफ़ी सही रूल थे जरूरत थी इन रूलों के रूल्स की लेकिन ये जो बाकी के दो हैं थोड़े रूल्स शायद थे ओके लेट्स मूव मॉड्यूल जस्टिस पता है जस्टिस क्या होता है हम हिंदी में अगर इसको बोले ना जैसी करनी वैसी भरनी रॉबिस ने क्या किया कि हज़ारों लोगों को मारा ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरा किस किस को मारा बहुत सारे नोबल्स और क्लर्जी को मारा उसको वो रिपब्लिक का दुश्मन मानता था उसके अलावा उसने अपोजिशन राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी मारा यहाँ तक कि उसने अपने ही पार्टी के लोगों को भी मार दिया जो उससे अग्री नहीं करते थे उसके व्यूज़ में सो रिलेन्टली फॉलोस रिलेन्टली बिल्कुल निर्दय निर्दयता से उसने अपनी पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट किया एक साल के पीरियड में तकरीबन हज़ार से ज़्यादा लोगों को उसने गलोटिन करवा दिया यहाँ तक कि उसके खुद के सपोर्टर्स जो उसके कैबिनेट में थे जो उसके मिनिस्टर्स थे वो खुद उसको कॉशन करते थे भाई सर आप थोड़ा केयरफुली रहिए केयरफुल रही, रही इतना वायलेंट मत हो जाइए आपको भारी पड़ेगा लेकिन नहीं माना और वो डिक्टेटोरियल बनता चला गया तो उसके अपने ही लोगों ने उसको अरेस्ट करवा लिया और उसको गिलोटाइन गिलोटिन कर दिया जैसी करनी वैसी भरनी कब हुआ ये सेवनटीन 17, जुलाई सेवनटीन नाइन्टी फोर में पकड़ा गया और उसी महीने में उसी साल में अगले दिन अरेस्ट किया ही वॉज गिलोटेंट सो स्टोरी एंड हेयर बट डायरेक्टरी रूल भी हमने देखा है ना इसी में देखना है हमको लेट्स सी डायरेक्टरी रूल एब डायरेक्टरी रूल क्या है लेट्स द बिगिनिंग टू मेनी वन अफर द डाउनफॉल ऑफ रोबेस्पियर रोबेस्पियर का डाउनफॉल रोबेस्पियर का पतन हो गया डाउनफॉल हो गया वो जिंदा नहीं रहा उसकी सत्ता खत्म हो गई तो बहुत पावरफुल पर्सन था तो कोई ना कोई तो आएगा पावर वैक्यूम को भरने के लिए अपने आप को रोब की जगह रखने के लिए तो वो तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन था अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द नेशनल असेंबली वॉज वेरी पावरफुल सो दिस रिच मेंबर रिच एंड पावरफुल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वॉन्टेड टू ग्रैप पावर इन दर हैंड्स वो नहीं चाहते थे कोई और इंडिविजुअल आए इतना पॉपुलर हो कि हम पे भारी पड़े हमें चैलेंज करे तो पावरफुल लोगों ने असेंबली में चेंज किया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट And now the National Assembly introduced a new constitution. A new constitution is added. Now, this is the constitution of 1794. 1791 constitution we saw. 1792, by the influence of Robespierre, some changes were made. Which changes? The system of um, active and passive citizens were removed. Voting right brought down. And this is third time. So, what is this? राइट टू वो राइट टू वोट वॉज टेकन बैक फ्राम द पुअर पीपल गरीबों से वापस राइट टू वोट छीन लिया गया औरतों से भी छीन लिया गया नहीं बिकॉज दे वे नेवर गिवन इट इट मीन्स अगेन नाउ एक्टिव एंड पैसि एक्टिव सिटीजन एंड पैसिजन कंसेप्ट अगेन एडेड सेकेंड चेंज टू हाउसेस लेजिस्लेटर जैसे कि इंडिया में हमारी पार्लियामेंट है दिल्ली में जो हमारे प्रदेश को चलाती है लेकिन उस पार्लियामेंट के दो हाउसेस है एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा फ्रांस के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी असेंबली के दो हाउसेस का प्रो, प्रोविजन किया गया और तीसरा अब कोई एक पर्सन जिस पोजिशन पर रॉबिस था फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसके प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट कहेंगे तो अब तक एक ही पर्सन रहता था उस पर जो अ रॉब ही पहला बनता था लेकिन अब उन्होंने बोले कोई एक पर्सन रहेगा दर इज अ ग्रुप ऑफ फाइव मिनिस्टर पाँच लोग मिल के पी एम बना कहलाए जाएंगे वन पर्सन वॉन्ट भी टर्मड एज पी एम अ ग्रुप ऑफ फाइव मिनिस्टर्स वुड वर्क एज ऑफ द एक्टिव अर्लियर इज अंगन रोबिस्पियर अ नाउ नो इंडिविजुअल बट अ ग्रुप ऑफ फाइव पीपल वाई दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूसड वाई फाइव पीपल वुड भी द रूलर बिकॉज द नेशनल असेंबली नाउ डिड नॉट वॉन्ट एनी पर्सन टू बिकम डिक्टेटर दे डिड नॉट वॉन्ट द कंसनट्रेशन ऑफ पावर दे वॉन्टेड

तो इस डायरेक्टरी का इम्पैक्ट क्या हुआ बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ अब बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ शॉर्टली बता शॉर्ट में बता दो क्या इम्पैक्ट हुआ रिपब्लिक डिस्ट्रॉय हो गई अगेन फ्रांस बिकम मोनार्किक। डायरेक्टरी ऑफ एन क्लैश विद लेजिस्लेचर डायरेक्टरी जो पांच लोगों का जो ग्रुप था वो अपने ही लेजिस्लेचर से अपने ही नेशनल असेंबली से कई पॉइंट्स पे कॉन्फ्लिक्ट कर जाता था नेशनल असेंबली कुछ और बोलती ये लोग कुछ और करना चाहते हैं और ये नेशनल असेंबली की बात कई बार, बार डायरेक्टरी के लोग नहीं सुनते तो नेशनल असेंबली ने हटा देना चाहती थी और ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते थे तो इनमें आप कई बार ऐसे झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे और इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने अब नेपोलियन ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है हिस्ट्री चैनल पर काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री आई थी अब चाहे तो उसे सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हो अगर मिल जाए तो इसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा बना दिया द मैन नेपोलियन के बारे में कहा जाता है वंस ही प्रोमिस्ड हिज मदर दैट मदर योर ऑल फाइव सन्स विल बी द किंग्स ऑफ फाइव डिफरेंट किंगडम्स एंड ही फुलफिल्ड द प्रोमिस एंड ही बिकम द फर्स्ट किंग मदर ऑफ फ्रांस ओके रिलेटेड इट दैट ओके एविडेंसेस नहीं है इसके बस मैंने कहीं पढ़ा था द फ्रेंच रिवोल्यूशन रिवर्स अब रिवोल्यूशन डिस्ट्रॉ इतनी मेहनत से जो रिवोल्यूशन लाई गई थी जो मनारकी हटाई गई थी वो सब कैंसिल हो के वापस मनारकी आ गई और ये लोग आपस में लड़ते रहते थे डायरेक्टर के लोग आपस में जो पास्ट लोग हैं वो आपस में भी लड़ते रहते थे वो मिल के नेशनल असेंबली से तो लड़ते ही लड़ते थे आपस में भी लड़ते रहते थे इसका रीज़न ये हुआ इसका फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया और वापस मनारके ला ली और अपने आप को उसने फ्रेंच किंग नेपोलियन बोनापार्ट ने डिक्लेयर कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट सो हियर रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन फोटी जुलाई यहाँ पर रेवोल्यूशन डिस्ट्रॉय हो गई तो मिला क्या हमको रेवोल्यूशन से फ्रांस को जो मिला होगा सो मिला होगा दुनिया को क्या मिला दुनिया को तीन आइडियल्स मिले कौन से आइडियल्स दीज आइडियल्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये तीन आइडियल्स दुनिया के ज्यादातर देशों में देखे जाते हैं डेमोक्रेसीज लो, में लोकतंत्र में क्या है लिबर्टी आज हमारे इंडिया में भी हम और बस सिक्स फंडामेंटल राइट है दो फंडामेंटल राइट्स यू कैन सी इन द लास्ट चैप्टर ऑफ़ पोलिटिकल साइंस टेक्स बुक वी सिक्स फंडामेंटल राइट्स ऑल पीपल आर फ्री ऑल पीपल आर फ्री फॉर एवरी बेसिक सारी चीज़ें फ्री है जब तक आप किसी दूसरों की आज़ादी को नुकसान ना पहुँचाए तब तो तक आप पूरी तरह आज़ाद हो और किसी के ऊपर भी कोई अनरीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अनरीजनेबल रीजनेबल मतलब रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है आप गन ले कर नहीं चल सकते हो अब ये आप ये नहीं कहोगे कि हमको गन लेके नहीं चलने दिए जा रहे तो हम आज़ाद नहीं, नहीं ये नहीं ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है अगर आप ऐसा करते हो तो आप दूसरों की लाइफ को ख़तरा पैदा कर सकते हैं इसलिए आपको गन लेके चलना अलाउड नहीं है देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देर आर नो अनरीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इक्वालिटी इंडिया में ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ येस इंडिया में अगर एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला कोई क्राइम कर दे और वही क्राइम अगर किसी भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कर दे तो सज़ा एक ही मिलेंगी उनको ये नहीं देखा जाएगा ये कितना अमीर है बड़ी पोस्ट का है सर इक्वलिटी बिफोर लॉ और किसी की भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता ना उसके जेंडर को देख के रिलीजन को देख के कास्ट को देख के ई टी सी दिस इज़ इटी सी हिड एंड देयर किसी के भी साथ कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी मीन्स ऑल इंडियंस हम हम इंडिया के रेफरेंस में देख रहे हैं सारे इंडियंस आपस में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो किसी एक फैमिली के हो पूरा का पूरा इंडिया एक फैमिली है हाँ इस फैमिली में कुछ लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं कुछ अलग अलग कास्ट को मानते हैं कुछ अलग, अलग अलग एरिया से रहने वाले कुछ अलग अलग भाषाएं है बोलते हैं लेकिन बेसिकली सारे लोग इंडियंस हैं और किसी भी इंडियन को देख के अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंडियन है यू फॉलोइंग दै फैटर्निटी ओके बंधु भाव जिसको बोलते हैं भाई जैसी फीलिंग सो लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेंटर्निटी दिस थ्री आइडियाज वी जनरली कॉल देम द फ्रेंच आइडियाज बिकॉज दिस आइडियाज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन सो दिस मॉड्यूल एंड्स ये श्योर येस दिस मॉड्यूल एंडस यर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू अंडरस्टैंड इट अंडरस्टूड इट एंड इफ देर इज एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज राइट इन कमेंट आस्मी यू क्वेश्चन आई शोर यू ट्राई टू आंसर your question and please do not forget to like this video subscribe my channel and also share so the other should also be benefited thank you so much